अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मैं रेडी कर रही हूँ केक। ये प्री बर्थडे केक है जो कि मैं अर्ली मॉर्निंग में रेडी कर रही हूँ। और ये हम 6:30 से लेके 7 बजे तक किसी भी टाइम कट करेंगे। ये मैंने सिंपल सा केक बनाया है और ये मैं हर्षी सिरप होता है ना उसको स्प्रेड कर रही हूँ इस पर। ये मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है और अभी बज चुके हैं 6 और मैं इधर रेडी कर रही हूँ सैंडविच क्योंकि मुझे बच्चों को लंच में देना है और प्रियसी और माही को ना ये आलू सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सैंडविच ना मैं बहुत ही सिंपल सा बनाने वाली हूँ और बहुत ही कम मसालों के साथ क्योंकि बच्चों को खाना है तो फिर सिंपल ही सही है। यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ देसी घी और घी का फ्लेवर ना सैंडविच में बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैं ग्रिल्ड सैंडविच बनाने वाली हूँ। ये देखिए सैंडविच ग्रिल्ड हो चुके हैं और कितने बढ़िया से हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी बजे हैं 7:45 और आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे घर में सेलिब्रेशन डे तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। क्या है वो माही बताएगी। तो भी आज मेरे पापा का बर्थडे है। और हम लोगों ने ना इस बारी जो हम केक कट करते हैं ना नाइट में 12 बजे वो कट नहीं किया क्योंकि इनका दोनों का स्कूल होता है और फिर मीन्स कंटिन्यूसली 12 बजे तक जगते ना तो अभी सुबह इनको उठने में प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस केक को ऐसे टाइम पे किया कट किया जाए कि इनकी नींद भी ख़राब ना हो और बिना इसके इन दोनों के काटने में मज़ा भी नहीं आता है। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह कट करेंगे क्योंकि रात को ना एक बार इनको उठा दो बच्चों को और फिर वही है कंटिन्यूस उठा दो तो भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमने इस बारी केक रात को नहीं कट किया और अभी हम करने वाले हैं प्री बर्थडे केक कट। माही का दरवाजा दिख गया। दिखने दो, इसमें क्या छुपाना है, ये तो सारे बच्चों के होता है। तो माही के ना दांत निकल गए हैं दो, एक इधर एक इधर क्योंकि दांत के अंदर दांत आ रहा था मैंने खींच दिया। यस, धागे से। तो अभी हम ले लेते हैं केक और फिर पापा जी को उठाएंगे। ये रहा केक, यहाँ पे उठ चुके हैं पापा और अब करेंगे केक कट। बीच में माही की नियत हुई खराब, थोड़ा सा लेके खा गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर। Happy birthday to you. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे बिना सेलिब्रेशन चल रहा था, मैं उठ गई। इससे ना हम छुपा के कुछ भी कर ले, ये तब भी आके पार्टिसिपेट कर लेती है। वानी हैप्पी बर्थडे करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Abhi wo active mode mein hai. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Vani, happy birthday kar do papa ka. Vani karo.
फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले बनाऊंगी इनकी पसंद वाली खीर यानी जवे की खीर। आज के दिन की शुरुआत इनकी खीर से कराती हूँ जो कि इन्हें बहुत पसंद है। यहाँ पे बन रही है खीर और इसको मैं कर दूंगी दूसरे वाले उस पे शिफ्ट। और तो जैसा कि मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट, तो आज मुझे ना बड़े सोच समझ के ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि इनके हैं कुछ टाइम से ना थोड़े परहेज, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो बहुत सोच समझ के विदाउट ऑयल वाला कुछ, मतलब बहुत सोच के बनाना है जो भी बनाना है। तो फ्राइड चीज़ें ना बनाते हुए अभी मैं बनाने वाली हूँ स्टफ्ड रोटी और रायता और खीर, और साथ में चलेगा अचार क्योंकि ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ना, और लंच तो मैं फिर बाद में बनाऊँगी। ये देखिए खीर बन चुकी है तो अभी मैं खाना सर्व कर दूंगी। यहाँ पे चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी जो कि बच्चों के चाचू ने भेजा है, ऑर्डर किया है, और ये देखिए मस्त इंजॉय कर रहे हैं वानी और गुन्ना को देखो। अभी बजे हैं 5 शाम के, बच्चे गए हैं ट्यूशन और अभी मैं फ्री हो गई हूँ चाय वगैरह से, तो साथ ही साथ मैंने किचन में आ गई हूँ मैं और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था आज है इनका बर्थडे, तो मैं डिनर में आज मेन्यू रख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रख दिए हैं कुकर में आलू बॉईल होने के लिए। सबसे पहले आलू मैं बॉईल कर लूँगी और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सब्जी जो कि मैंने कट कर लिया है। ठीक फ्रेंड्स आलू गोभी की सब्जी तो बन चुकी है। यहाँ पे बन रही है अभी मखनी दाल, में सभी बॉईल हो रही है और यहाँ पे रख दिया है मैंने दूध ताकि जल्दी उबल जाए। नान बनाने की भी तैयारी पूरी कर दी है। यस मैंने केक खा लिया सारा। हाँ ये सुबह से, मैं सुबह से तो नहीं, वैसे सुबह से भी बोल सकते हैं, ये स्कूल भी लेके गई थी। देन आनी जब से स्कूल से आई है ना पूरा केक पे ही मड़ी हुई है, केक खाई जा रही है, बार बार थोड़ा लेगी फिर फिनिश करेगी फिर इतना लेगी। देखो कारनामे, या फिर लंच के बाद या फिर डिनर के बाद खा लूंगी इसको। टारगेट फिक्स है, किसी और को नहीं खाने देना है, लंच के बाद खा लेगी या डिनर के बाद खा लेगी। और मेरे इस वाले दांत में कैविटी है, दिख रही होगी आपको। इतना केक खाओगी तो कैविटी होगी ना। दर्द भी होता है पर मैं तब भी खाऊंगा, इतना अच्छा बनाती है मम्मी केक। मम्मी पर वो सिंपल वाला बनानी जो बनाती है ना। कौन सा? वो जैसे मलाई केक। हाँ कुछ नहीं बना रही मैं, बहुत मीठा रखा हुआ है बहुत ज्यादा घर में, तब तक ये फिनिश नहीं होगा कुछ नहीं बनेगा। अभी ना हम कहीं कहीं जाए जा रहे, मीठा काफ़ी खट्टा हो गया है क्योंकि जहाँ भी फंक्शन होते हैं वहाँ से मीठा मिलता ही मिलता है, तो कुछ टाइम तक कोई मीठा नहीं बनेगा घर में। आज तो मीन्स कंपलसरी था क्योंकि बर्थडे था, बट अब और नहीं बनाने वाली हूँ। ये है हमारा मस्त सा केक और अभी हम केक कट करेंगे। सारी गली आधी रहेगी, चल चल बिता जाए, जरा से तेल के ऊपर मुरक क्यों कलंक लगा, जरा से तेल के ऊपर मुरक क्यों कलंक लगा। वाह 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 वाह, ये बर्थडे सेलिब्रेशन करने से पहले माहौल बनाया जा रहा है।
हाथ लगाओ सारे। परी कहाँ है? परी कहाँ है? हाथ लगाओ गज्जो, हाथ लगाओ। अभी प्रियसी का गिफ्ट ओपन किया जा रहा है, देखते हैं इसने क्या लिया है। वैसे मुझे तो पता है बट पापा जी को नहीं पता इसके। वाह ये तो बहुत अच्छा है यार, कमाल कर दी। अपना फोटो भी चिपका लिया है अपने पैसों से लाई है। ये व्लॉग मैं करूंगी यहीं पे एंड इस ब्यूटीफुल से गिफ्ट के साथ। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए।